सर, कैसा हाल है आपका? गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग, बैठो। थैंक यू सर। सो 3 दिन में तुमने सारे केस स्टडी कर लिए? फैंटास्टिक जी। थैंक यू सर। पर सर, ये पिची का केस मुझे समझ में नहीं आ रहा। समझने की जरूरत भी नहीं है जी, जितना समझ में आ रहा है बस वहीं रहो। क्यों? पर आई एम वेरी क्यूरियस सर, यहाँ सभी उसके बारे में बड़ी अजीब अब्सर्ड बातें करते हैं, and I would really like to try and help him. Do not let his wonder steal your thunder, my dear boy. Solitary confinement, याद कर लो इसे, सिर्फ इसलिए कि तुम वहां कभी नहीं जाओगे। कभी नहीं मतलब कभी नहीं। क्यों सर? बिच्छी काला बादल है, वो तुम्हें निकल जाएगा। आओ आओ, रुक रहो, रह लिए, अब जाओ, मर जाओ। पंचतंत्र की एक कहानी में एक मेंढक की दोस्ती एक बिच्छू से हो जाती है। एक दिन उसने देखा कि बिच्छू नदी किनारे उदास बैठा है। मेंढक ने बिच्छू से पूछा कि क्या बात है भाई, तुम इतने उदास क्यों हो? बिच्छू ने कहा कि नदी पार जाना है, मुझे तैरना नहीं आता, उस पार जाऊं तो कैसे जाऊं? मेंढक ने कहा बस इतनी सी बात है, तुम मेरी पीठ पर चढ़ जाओ, मैं तुम्हें नदी पार करा देता हूँ। मेंढक ने बिच्छू को अपने पीठ पर उठा लिया और नदी पार करने लगा। लेकिन बीच नदी में अचानक बिच्छू ने मेंढक को डंक मारा। मरते मेंढक ने बिच्छू से पूछा, अरे मुझे क्यों मारा? अब डूब तो मेरे साथ तुम ही रहा, ये क्या किया तूने? बिच्छू ने कहा कि भाई मेरी दोस्ती पे शक मत कर, मेरी दोस्ती पे शक मत कर, डंक मारना तो मेरी फितरत है। ये बिच्छी पंचतंत्र का वही बिच्छू है। Stay away from him. Just stay away. वो लाला बोला कि बिच्छी में उसे हनुमान दिखाई पड़े, लाल सुर्ख चेहरा, ना अपना सको इतनी चौड़ी छाती, फटी हुई राम सीता लक्ष्मण एन 20 से झांकते हुए दिखाई दिए। लाला तो बिच्छी की ओर खिंचा चला गया, पैरों में गिर गया उसके। जैसे ही बिच्छी की नजर उस आदमी पर पड़ी, वो खोने लगा, फिर अपना तन मन धन सब कुछ बिच्छी को सौंप कर उसके पीछे पीछे खींचा जाने लगा, अपना होश खो बैठा था। तकरीबन 3 घंटे के बाद एक पुल पर उसे होश आया। एक करोड़पति ज्वेलर था, मेरा बेईमान, मिलावटी सोना बेचा करता था। बिच्छी ने ऐसा दिमाग फेरा उस बेईमान का कि खुद चल के अपनी सारी दौलत मंदिर के नाम कराया। लोग कहते हैं बाद में वो ज्वेलर पागल ही हो गया। बड़े बड़े अफसरों की हेकड़ी निकल गई। वो तक बिच्छी को सलाम बजाकर ना उसके आगे बिछ गए, सारे के सारे रैंक धरे के धरे रह गए। क्या रूप धर लिया था? बिच्छी तो कोई भी रूप धर ले, क्या मर्द, क्या औरत, और क्या कोई शेर, और क्या शेषनाग। एक साध्वी को बिच्छी ने अपने चमत्कारों से मंत्री बनवा दिया, फिर वो साध्वी बिच्छी को इस्तेमाल करके प्रधानमंत्री बनना चाहती थी, उससे शादी भी करना चाहती थी, लेकिन बिच्छी उसके लालच से तंग आकर भाग निकला। अब कहते हैं कि उस आदमी ने बिच्छी को ढूंढवा के उसे इस पागल खाने में डलवा दिया है।